हाय गाइस, इस वीडियो में हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे। तो फॉर्मल चार्ज निकालने से पहले, फॉर्मल चार्ज मतलब जैसे अगर सोचिए कि हम ओजोन का निकाल रहे हैं, तो हर एटम में कितना चार्ज है ना, वो उसका फॉर्मल चार्ज होता है। ओके, लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालने से पहले आपको सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल का बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उससे हम लोग धीरे धीरे फॉर्मल चार्ज की तरफ आएंगे। तो देखिए, ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आपको ये पता है कि O3 है, और आपको पता है कि लुईस डॉट में इसमें क्या होता है ना कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो ओजोन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 3 एटम है, 3 × 6 यानी 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन को आप 3 ऑक्सीजन एटम में बांटेंगे, ठीक है, और बांटेंगे किस तरह, इस तरह बांटेंगे कि हमारा हर ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब बात है ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें चाहिए कि इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम इस 3 ऑक्सीजन एटम में ऐसे बांटेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन, अरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो हर एटम के। तो पहले हम देखिए, ऑब्वियसली पहले हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाने में 18 इलेक्ट्रॉन था टोटल, कितना आपका देखिए इलेक्ट्रॉन चला गया। देखिए एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, 1 bond = 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक भाई, जब इसका बॉन्ड बना है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक इसने दिया होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में, तो 2 + 2 = 4, 4 चला गया है। हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है जिसमें हम ऑक्सीजन में से ऑक्टेट दे देंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे। तो पहले हम इसको देते हैं 6, इसके पास देखिए इस ऑक्सीजन के पास कितना है, अभी 1, 2 है, 8 चाहिए, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 6 हम इसको दे दिए तो इसका ऑक्टेट हो गया, 6 दे दिए, तो 6 यहां से हटा लो, अब 8 बचा, अब 8 हम देंगे तो इसके पास कितना है, इस ऑक्सीजन के पास, बीच वाले के पास देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है 4 है, तो इसको 8 कैसे देंगे, 5, 6, 7, 8, 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो 4 हटाइए, अब 4 बचा, इस 4 को यहां देखिए ऑक्टेट कराएंगे, इस ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, इन दोनों का ऑक्टेट हो गया है, इसका ऑक्टेट नहीं हो पाया है, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमें ऑक्टेट कराने के लिए इसका मतलब सिंगल बॉन्ड से नहीं काम चलेगा, हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहां देंगे बॉन्डिंग पे, तो देखिए क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड ये रहेगा, ये जो इसका लोन पेयर था ना भाई, इसको जरूरत है ना, इसके पास तो कमी है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बॉन्डिंग में चला गया तो इसके पास तो फिर भी रहेगा ना, बस इसका लोन पेयर नहीं रहेगा, वो बॉन्डिंग में आ जाएगा, तो बस डबल बॉन्ड दे दो, बाकी इसका तो वही है ना, वैसे वैसे लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेट कंप्लीट। इसका देखिए ये वाला लोन पेयर थोड़ी दिया है अपने, हम लोग ने, तो वो है उसके पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास ये दो तो है ही ना, 1, 2, 3, 4 और बाकी ये वाले लोन पेयर को हम यहाँ बॉन्ड बना दिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये आपका हुआ, हमारा स्ट्रक्चर हुआ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर हम माने इसको एटम नंबर 1, इसको 2, इसको 3, तो भाई दोनों तरीके का पॉसिबल है ना, अगर हम ये इस तरह से लिख सकते हैं डबल बॉन्ड लगा के, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड यहां लगा के भी लिख सकते हैं ना, वही बात हो गई। तो चलिए अब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए करेंगे क्या, तो आप इसमें देखिए, इसको हमने इस आइटम को 1 मान लिए हैं, देख लेते हैं 1 का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन में कितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको लिखेंगे। तो इसमें फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज फर्स्ट एटम का, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होता है, ठीक है 6 माइनस लोन पेयर कितना है, लोन पेयर मतलब इस आइटम पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, 2, 2, ठीक है। देखिए 6 तो कितना है, इसका आउटर मोस्ट में 6 होता है ना नॉर्मली, जैसे ये वाली देखिए ना, नॉर्मली 6 होता है, वो 6 है ये, और लोन पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर 1, 2, तो ये क्या हुआ 6 - 7 यानी -1, यानी इस ऑक्सीजन के पास आपका फॉर्मल चार्ज है -1, ठीक है। बीच वाले में निकालते हैं, बीच वाले में मतलब सेकेंड में, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड वाले का कैसे निकालेंगे, तो आउटर मोस्ट में तो 6 ही होगा, माइनस लोन पेयर कितना 1, 2, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 3 = 6 मतलब 3
माइनस टू थ्री, माइनस थ्री माइनस टू फाइव इज इक्वल टू वन. इसका है वन है तो प्लस वन, इस वाले बीच वाले का है प्लस वन, तो बीच वाले का फॉर्मल चार्ज प्लस वन हुआ. ठीक है, अब थ्री वाले का निकाले फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड. आउटर मोस्ट में तो छह इलेक्ट्रॉन है, माइनस लोन पेयर कितना, एक दो तीन चार, चार लोन पेयर माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर, एक दो तीन चार, चार तो क्या हुआ देखिए, छह माइनस ये दो, फोर माइ फोर माइनस फोर माइनस टू सिक्स, यानी जीरो. इसका फॉर्मल चार्ज जीरो हो गया, मतलब इसका प्लस वन, इसका माइनस वन और इसका जीरो. इस तरह से आप निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज. थैंक यू.